ग्रहों का हर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव है। माना जाता है कि ग्रह नक्षत्र की दशा भविष्य की दिशा भी तय करती है और इस विधा को जानने वाले ज्योतिष कहलाते हैं। एक ऐसे ही ज्योतिष पंडित मुकेश शास्त्री हैं जो अपनी भविष्यवाणी के चलते देश भर में चर्चित है। एक वर्ष पहले पंडित मुकेश शास्त्री ने उज्जैन में ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उस समय उनकी इस बात पर भरोसा करने की कोई ठोस वजह नहीं थी, लेकिन जब उनकी भविष्यवाणी हकीकत में बदली तो आज उज्जैन में उन्हें याद किया जा रहा है। इसी बीच पंडित मुकेश शास्त्री का इंदौर आना हुआ, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। पंडित मुकेश शास्त्री ने अब आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से अधिक सीटें हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि इस साल का मूलांक 8 है, जो शनि प्रधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में है, जिसका लाभ उन्हें इस साल मिलेगा। वहीं उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के लिए अच्छे सीएम साबित होंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान इस साल या अगले साल की शुरुआत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ज्योतिष अर्थात ईश्वर की दृष्टि है, ईस्ट कहते हैं कि वाणी सिद्ध हो तो जीवन के अंदर आप भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। वैसे तो कहा गया है कि जन्म मरण और परण, ये तीन चीज़ें यानी जन्म यानी बर्थ, मरण यानी मौत और परण यानी शादी भगवान ने अपने हाथ में लगी रखी है, लेकिन बाकी भविष्यवाणियाँ ज्योतिष जो है नौ ग्रहों के आधारित होती है। गणना के आधार पर ज्योतिष की भविष्यवाणी होती है। मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री पिछले 13 साल से लगातार जो है टीवी शो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की सेवा कर रहा हूँ। गुड लक टिप्स नाम का कार्यक्रम है हमारा और वो पिछले 13 वर्ष से लगातार लाइव शो आता है और लाखों दर्शक उसके अंदर लाइव शो होने के कारण जो है वो निःशुल्क समस्याओं का समाधान को प्राप्त करते हैं। राजस्थान स्टेट की हम बात करें, आज से एक वर्ष पूर्व उज्जैन के अंदर ही मीडिया के समक्ष आई वॉज द ओनली एस्ट्रोलॉजर जिसने ये प्रिडिक्ट किया था कि तीन प्रदेश के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय उस समय के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये एक वर्ष पूर्व का उज्जैन के अंदर आप सभी मीडिया साथियों के मध्य में किया गई भविष्यवाणी है। पंडित मुकेश शास्त्री ने यह भी कहा कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, जबकि इस साल से राहुल गांधी का राजनीतिक करियर भी परवान चढ़ेगा। भले ही आम चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन राहुल गांधी मजबूत होंगे और राज्यों में कांग्रेस वापसी करेगी। मध्य प्रदेश भारत के सभी राज्यों के अंदर अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। आने वाले 2 सालों के अंदर मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग हो रही होगी, चाहे व्यापारिक लिहाज से बात करें, टूरिज्म के लिहाज से बात करें, रोजगार के लिहाज से बात करें, मध्य प्रदेश जो है वह अग्रणी राज्यों के अंदर आने जा रहा है, कर्ज मुक्त होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगली जो है वो देश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। 400 सीटों के साथ में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ओवरकम कर रही है। राहुल गांधी जी का करिए, राहुल गांधी जी के बारे में आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है और राहुल गांधी जी के लिए हम आपको बता देते हैं कि 2024 उनकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित होने जा रहा है। भारतीय राजनीति में वो अपने आप को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। 2024 निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के लिए स्वर्णिम ईयर रहने वाला है और बहुत सारे प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की स्थिति आपको सुधरती हुई दिखाई देगी और राहुल गांधी जी के अंदर एक नया आपको जोश और जुनून दिखाई देगा जो कि उनके आने वाले समय को, उनके फ्यूचर को बहुत बेहतर बनाने जा रहा है। पंडित मुकेश शास्त्री ने यह भी भविष्यवाणी की है कि इस साल प्राकृतिक आपदाएं अधिक होगी, जिसके कारण किसान परेशान रह सकते हैं, लेकिन सरकार की नीतियां उन्हें राहत प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज़, इंदौर।